Hello guys and welcome back to my channel. This is Shaza Rai and today I'm gonna share with you guys 5 movies that can change your life, and that's my personal experience. So these are gonna be Bollywood movies, and without wasting any time, let's get started. So the first movie in this top 5 list is Zindagi Na Milegi Dobara. Guys, इस मूवी से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगी। देखिए गाइज, इस मूवी में सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको हमेशा लाइफ में एक ब्रेक चाहिए होता है। जब भी आप लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होने लगे और आप लाइफ के साथ गो ऑन करते चले जाएं, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ मिस कर दिया है आपने लाइफ में। तो हमेशा लाइफ में ब्रेक जरूर होता है और इस ब्रेक में आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं इस ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक बहुत जरूरी है लाइफ में। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उनको कभी भी भूल नहीं जाना चाहिए, अपनी लाइफ से निकाल नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स के लिए एक अलग से टाइम निकालेंगे तो आपको भी रिफ्रेशिंग फील होता है, आपकी फ्रेंडशिप भी स्ट्रांग होती है। देन थर्ड थिंग इज एडवेंचर। लाइफ में एडवेंचर करना बहुत जरूरी है, लाइफ में अपने डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को एडवेंचर करना पसंद नहीं है वो लोग कुछ ना कुछ छोटा एडवेंचर कर सकते हैं, मगर लाइफ में कुछ नया सीखने से बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे कि इस मूवी में बहुत कुछ एडवेंचरस चीजें करते हैं इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, तो वो इनको लाइफ में बहुत ही ज्यादा अनब्रेकेबल पावर टाइप दे देता है अंदर से, जो कि बहुत अच्छी होती है। और इसमें ऋतिक रोशन बीच में इमोशनल भी हो जाता है। एंड ऑल्सो इस फिल्म में दिखाया गया है कि ट्रैवल करने से कितना लाइफ रिफ्रेशिंग और कितनी अमेजिंग हो जाती है। तो इसमें ये लोग स्पेन जाते हैं और इससे इन लोगों की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना है तो एक चीज जरूर कर लीजिएगा, ट्रैवल जरूर कर लीजिएगा लाइफ में। पैसे कमाते रहेगा इंसान और स्पेंड करता रहेगा, मगर ट्रैवल कर लिया लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और इस लाइफ में हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया देखने की सोचनी चाहिए, कोई ना कोई नई जगह देखने की सोचनी चाहिए। सो द सेकंड फिल्म इज ये जवानी है दीवानी। गाइस ये फिल्म तो इतनी सुपर हिट गई, इतनी अमेजिंग फिल्म रही है ये। सो गाइस ये जवानी है दीवानी में दो कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, दैट इज बनी एंड नैना। बनी और नैना का कैरेक्टर टोटली अपोजिट कैरेक्टर है। नैना बहुत ही ज्यादा नर्डी टाइप की होती है, बनी बहुत मस्ती टाइप करने वाले टाइप का होता है। बट दोनों के बीच में किस तरह से प्यार आ जाता है और वो प्यार बाद में वापस आ जाता है, तो इस मूवी से ये देखने को मिलता है हमको कि प्यार अगर आपका सच्चा है तो वो जरूर वापस आता है लौट करके। और कभी भी लाइफ में रोबोट की तरह नहीं रहना चाहिए, प्लस कभी भी लाइफ में ज्यादा भी खुलना नहीं चाहिए और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको भूल नहीं जाना चाहिए। सो द थर्ड मूवी इन दिस लिस्ट इज तनु वेड्स मनु 2, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। या सो दिस मूवी इज रियली अमेजिंग मूवी, बिकॉज इस मूवी में से हमें सीखने को ये मिला कि रिलेशनशिप में कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो रिलेशनशिप और मजबूत हो जाती है। प्लस हमें दत्तो के कैरेक्टर से ये सीखने को मिला है कि अगर आप प्यार करते हो किसी से तो लव इज अबाउट गिविंग नॉट टेकिंग। तो दत्तो अपना लव सैक्रिफाइस कर देती है लव अपने लव की खुशी के लिए, तो ये चीज हमको सीखने को मिली है बहुत जरूरी। प्लस ये मेरी जो मैं यहीं यूपी से ही हूं तो बहुत ही अमेजिंग सा यूपी का इसमें आपको महक मिलेगी, यूपी की बातों की, यूपी का सब कुछ इसमें मिलेगा आपको और दिल्ली का मिलेगा जहां मैं रहती हूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्ट्रास्ट बन गया था हमारा और इसलिए मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। प्लस ये बहुत फनी मूवी है, इमोशनल मूवी है, इस मूवी हर एक चीज है। सो द फोर्थ मूवी इन दिस लिस्ट इज डियर जिंदगी। डियर जिंदगी से हमको ये सीखने को मिला कि कोई शेम नहीं है अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। अगर आपको कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ कि आप एकदम आउट ऑफ योर माइंड चले गए हैं, डियर जिंदगी से ये सीखने को मिला है कि कभी कभी आपको लाइफ में काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, काउंसलिंग में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप काउंसलिंग करवाने से पागल हो तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो डॉक्टर करे, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड करे, चाहे कोई अपना करे, काउंसलिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। कभी कभी आपको लाइफ में एक थोड़ा सा पुश चाहिए होता है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और खुश रह सकें।
द बेस्ट एंड द लास्ट मूवी इज क्वीन। सो गाइस, इस पूरी लिस्ट में मैंने कोई रैंकिंग नहीं की है, बस मैं आपको नंबर वाइज बता रही हूँ। क्वीन मूवी मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगती है, मतलब सभी पांचों की पांचों मेरी फेवरेट है, बट क्वीन बहुत अच्छी लगती है। क्वीन मूवी में हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी लाइफ में होप्स नहीं खोने चाहिए। आपको नहीं पता कि लाइफ आपके लिए कितना कुछ लाने वाली है, लाइफ में कितना कुछ आपको मिलने वाला है। यही होता है ना कि कभी कभी हम भगवान से मांगते हैं एक चम्मच में थोड़ा सा पानी और भगवान हमें समंदर देना चाहते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो क्वीन मूवी में ये पैरिस में शूट हुई है ज्यादातर इसका पार्ट, और इसमें क्वीन मूवी में ये दिखाते हैं कि आपको कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता आपके अंदर से जो बेस्ट है आपका वो कब बाहर आए। तो क्वीन मूवी में ये इसका ट्विस्ट मैं ब्रेक नहीं करूंगी, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वीन मूवी में ये एकदम एक नया टर्न ले लेती है लाइफ में, इसकी लाइफ में एक नया टर्न आ जाता है एकदम, और ये अपने आप में एक नया फ्रेश फील करती है कि उसको लगता ही नहीं कि ये पुरानी वाली कोई लड़की है जो कि बहुत ही डम्ब होती है, बहुत ही ज्यादा चुप चुप रहने वाली होती है, डरने वाली होती है, एकदम फ्री सोल बन जाती है। तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा टर्न आ जाए, और कभी कभी बुरा वक्त ही आपको बहुत हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो बुरे वक्त को भी सल्यूट करना चाहिए, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाए उनको भी सल्यूट करना चाहिए कि थैंक्स आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये थी मेरी पांच बेस्ट मूवीज जो कि मेरे को लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर करने लगी है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये पांचों की पांचों मूवीज आप लोग जरूर देखिएगा, और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको क्या, आपको मेरी बातों से कुछ रिलेट कर पाए हैं, आपको कुछ रिलेशन मिला है मेरी बातों से इन मूवीज में। अगर आपको कुछ मिला है और आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है जो कि आपको इस मूवी में भी अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।